unites.com redefining bollywood. समझता क्या है तू अपने आप को? मुझे मिसेस वीर अरोरा बनने का ना कोई शौक नहीं है. Hey guys, welcome to the Short Talk with me, Rohan. मेरे साथ में एक फुकरा है जो कि अब बन चुका है वीरा, यानी हो रही है इनकी वेडिंग, वीरे की वेडिंग, पुलके सम्राट, एंड ऑफ कोर्स अ वेरी गॉर्जियस, जिनसे मुझे लगता है कोई भी लड़का प्रैक्टिकली शादी करने के लिए हाँ बोल देगा. पर मिल Just, रहा है बॉस, ऐसे थोड़ी ना होता है. और जो मिल रहा है उसको आप फिल्म के यू नो ट्रेलर में बोलती कि मैं लाइफ लॉन्ग नहीं रुकूंगी तुम्हारी वाइफ बनने के लिए. मुझे मिसेस वीर अरोरा बनने का कोई शौक नहीं. वैसे मैं कैंडिडेट का इंट्रोडक्शन नहीं, यह कृति खरबंदा. तो वीरे की वेडिंग, अब अक्सर यू नो वन ऑफ द इंटरव्यूज यू वर सेइंग कि लोग पूछते हैं ऐसा कि यू नो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद समवन. तो मैं आपसे पूछता हूं, हाउ बैड वाज द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद पुलकित? अब बताइए. ऑन अ स्केल ऑफ 1 टू 10 इट वाज मैनेजेबल, लाइक हो गया, पिक्चर बन गई. मतलब 4-5? नहीं नहीं, 4-5 तो एवरेज हो जाएगा. 4-5 एवरेज हो जाएगा. अच्छा, लाइक पिक्चर बन गई, हम प्रमोशन कर रहे हैं और हफ्ता गुजारने की बात है, निकल जाएगा. I was in love and I thought if that was it, that was, he was the one. Phir meri aankhein khuli aur realize hua ke sapna tha. Okay. I mean dramatic, yeah. No, but of course, so cool. I want to have the one. See, I don't know whether I believe in marriage or not. But I believe that there is one companion who who brings out the best of you, who makes you the best version of you. Okay. And doesn't accept your flaws but helps you overcome those flaws. So yeah, of course I believe in a companion. And waiting for that special someone. Of course I am. So trailer ki tarah, if you are the special someone, she will not tell you that. Sir, aap se puchhenge, aap bataiye. Main to ek do bari galti kar chuka hu yaar, ab nahi hoti aise galti. Now I'm committed only to myself. Okay. Abhi that's the beginning. Yeah, so yeah. That's how it all starts. I'm just committed to myself now. So yeah, I was coming to the fact that this is like the biggest basoodi of the year, jo aap log ki tagline hai. Aise koi veere ki wedding aap logon ne attend ki which is been like a basoodi of sorts? I think every wedding in some way or another is a basoodi. Oh yeah. Chahe wo dulha dulhan ki wajah se ho, chahe wo parivar ki wajah se ho, chahe wo guest ki wajah se ho ya wedding planner ki wajah se ho, basoodi hoti hi hoti hai shaadi. Okay, so you guys remember any memorable incidents? Kabhi kabhi gaadiyan guests ko uthane ke liye kam pad jati hai, kabhi drivers kam pad jate hain, kabhi khana kam pad jata hai, kabhi khana kam na pade तो भी गालियां पड़ती हैं. तो भसूड़ी इज अ पार्ट ऑफ कम ना पड़े तो भी गालियां पड़ती हैं. हां, इतना वेस्ट कर दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है, पैसे बच जाते. अरे एक बार ना एक शादी में गई, एक आंटी मेरे को बोलती है और बच्चों सब ठीक, मैंने कहा खाना खा लिया. मैंने कहा नहीं आंटी अभी खाएंगे, तो एक काम करो ना, तुम तीनों बहने एक ही प्लेट में खा रहे ना, 900 रुपए की प्लेट है, खाओगी इतना सा, हमें 900 रुपए की प्लेट का बनाएगा, तीनों एक ही प्लेट में खाना. एंड देन शी इज टेलिंग वन ऑफ हर रिलेटिव्स कि आप देख लेना कि इनको एक ही प्लेट दी जाए. ओह गॉड, आई कैन नॉट, दैट्स हैपेंड टू मी. आई वाज कमिंग टू दैट ओनली कि कई बार प्लेटे ज्यादा नहीं होने देते लोग, वो खड़े होके देख रहे होते हैं, अबे ये तो खाएगा भी नहीं, इसको छोटी वाली प्लेट दो. वो हाँ, वो क्वार्टर प्लेट, आइसक्रीम वाली प्लेट होती है ना, छोटी क्वार्टर प्लेट, हाँ क्वार्टर प्लेट दे दो इनको, बच्चा उसी में खाएगा. लाइक दे लिटरली से दिस थिंग्स, मम्मा 900 रुपए की प्लेट है, हमें बोला गया कि तुम पूरी प्लेट में नहीं खाओगे, तीनों बहने मिलके खाओ. मेरा बस चले, मैं तंदूर के पास खड़ी हो जाऊँ, पराठा लू, दाल डालू और ऐसे ही खा लू, वही कह रहा हूँ, प्लेट ही रहने दो. उनको आइडिया नहीं आप कैसे खाती है और कितना खाती है. ओके, पुलकित, ट्रेलर में आपने एक लाइन बोली है, यू काइंड ऑफ यू नो गॉन टू लेंथ टू गेट द लव ऑफ योर लाइफ. अभी आपने बोला आपने लाइफ वाइफ से काफी कुछ सीख लिया, क्या दर्द है जिगर, लाइक शी सेड आपके दिल में. सो नाउ इफ यू आर इन, इसके है दर्द है डिस्को, दर्द है डिस्को. सो नाउ व्हेनेवर यू आर इन लव अगेन, वुड यू एक्चुअली गो लाइक एन एक्सट्रीम लेंथ टू गेट द लव ऑफ योर लाइफ? इट डिपेंड्स यार, लव का ऐसे कोई वो मतलब कोई नोटिस थोड़ी आता पहले, परसों आपको इतने बजे प्यार होगा. एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग. No, no, it's not about that. It's that the moment I'm happy, I think happiness will just fall in. It's okay. As simple as that. And I'm in a very happy space right now. So, you know, a lot of guys in my office have told me to ask you this. And this okay. is purely because they have told me, what are your plans for marriage? What sort of a guy are you looking for? Please bataiye. I am not looking at getting married anytime soon. The only reason I'll probably get married is to have kids. Okay. I believe in companionship. Okay. And I believe in love. I'm that girl. I do believe in love. Mm-hmm. And I think all I want is respect and
probably a man who believes in equality, because I think that's very important. And yeah, just basics. Just get the basics right. It's always the basics that work. Okay, and I should ask, is it chup chup sobri pa phalka sa muskurae ki londa basically basics mein correct lagna chahiye. Kachhe banyan mein correct lagna. Okay, moving on. I'm not getting into that. So, abhi since we're talking of wedding, shaadi, abhi recently, you know, Virat and Anushka got married. So, if I ask the two of you, aapke sabse next aap kiski shaadi dekhna chahoge? I want to see Deepika and Ranveer get married. I think they're so cute. Yeah, that would be interesting. That would be nice. The way he looks at her is so beautiful. See, I don't know if they're dating or not. I don't know them personally. But as a couple, I think they look amazing. And I hope that they get married. Okay. Coming to you, Pulkit. Fukre Returns was a big hit. So, teesri Fukre aane wali hai. Again, a lot of guys from my office have asked me to kind of ask you this. Urti urti khabar suni hai maine ki kaam chalu hai us pe. Achha. Baaki aapko producers bata sakte hain. Okay. So, anything that you guys remember, any kissa in particular, any scene or something that you guys were shooting? I teased him about him not getting a girl ever. It was quite funny. I was like, aapko kabhi phir ladki milti nahi hai? Ya chhod ke bhag jati hai? Ya kisi aur ke saath ho jati hai? You should clarify that on camera. By his films, you mean. Yeah, yeah, obviously. And not like real life. For a second, I was like, oh, yeah, wasn't he married? And I was saying that. And then I replied, no. I meant in movies. So before we go, हम लोग डायलॉग अगर आप ऑडियंस को सुना सके फ्रॉम वीरे की वेडिंग एंड देन वी एंड द इंटरव्यू विद दैट. बोल दे यार कुछ. क्या बोलूं? कुछ नहीं. दिल्ली में सारे लोग कोई भी लाइन वही वीर और वाली वही बोल देना. मुझे मिसेस वो तो लास्ट समझता क्या है तू अपने आप को? मुझे मिसेस वीर अरोरा बनने का ना कोई शौक नहीं है. तो अपना डायलॉग बोल. मेरा था नहीं उसमें. तूने सीटी मारी थी ना उसके बाद. थैंक यू फॉर वॉचिंग. क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड.